हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्युग एंड विद्युग ग्लैडली प्रेजेंट्स यू विद्युत। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एंड विद्युग ग्लैडली प्रेजेंट्स यू विद्युत। वी विल लर्न अबाउट द माइंड मैप्स ऑफ चैप्टर 5 ऑफ मैथ्स 1, दैट इज प्रोबेबिलिटी। हम यहाँ पे उसके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि डेफिनेशन, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इट्स आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड सैम्पल स्पेस एंड इवेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले आते हैं डेफिनेशंस की तरफ। डेफिनेशंस में हम जानते हैं श्योर और सर्टेन इवेंट के बारे में। व्हेन इवेंट हैविंग प्रोबेबिलिटी टू ऑकर इज वन इज नोन एज श्योर और सर्टेन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वो इवेंट्स होते हैं, फॉर इवेंट ई कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट दैट इज पी ऑफ ई बार इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ई। यानी कि आपको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट करना है तो आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट मिल जाएगा। थर्ड डेफिनेशन है एलिमेंट्री इवेंट का। इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एलिमेंट्री इवेंट। अब चलो चलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इट्स आउटकम। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट in which all the possible results are known in advance but none of them can be predicted with certainty is called a random experiment. ye tha random experiment ka definition. ab dekhte hain example. example random experiment ka cards hota hai. yahan pe diya gaya hai question mein what is the probability of getting an ace from a pack of 52 cards. आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मिलता है सॉल्व करके 1/30। अब चलो चलते हैं सैंपल स्पेस एंड इवेंट की तरफ। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। अ सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस और ओमेगा सिंबल। सैंपल स्पेस में पूरे इवेंट्स के पूरे आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस कहा जाता है, ये याद रखना है, ये कीवर्ड है। अब यहाँ पे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ एस दैट इज द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज डिनोटेड बाय एन ऑफ एस। ये था नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स का डेफिनेशन। अब चलो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे हम देखते हैं अ कॉइन इज टॉस्ड का सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट्स एंड टू कॉइंस आर टॉस्ड का सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका डेफिनेशन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इन अ फाइनाइट सैंपल स्पेस एस इज रिटन एज पी ऑफ ए एंड डिफाइंड एज पी ऑफ ए equals to number of sample points in event A upon number of sample points in sample space which is also equals to n of A upon n of S. ये था probability का definition और formula जो कि काफ़ी important है। ये था आपका probability का chapter mind map के तरफ से। हमने यहाँ पे काफ़ी सारे definitions और concepts सीखे हैं। इसको आपको एक्चुअल प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप इसे एक्चुअल में समझ पाओगे। सो हम आ गए हैं इस वीडियो के अंत पर। सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ विद्युत। हैप्पी लर्निंग।